गाइज मैं सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी यूनिट चल रही है सेकंड यूनिट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर मेन हेडिंग चल रही थी अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अनुसंख्य गुणधर्म। उसके अंदर अपन ने बात की है कि सबसे पहले नंबर एक की बात की है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, उसके बाद कवथनांक उन्नयन और उसके बाद हिमांक अवनमन। और अब टॉपिक चल रहा था अपना परासरण दाब, और परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब के प्रयोग क्या होते हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर अपन ने बात की थी परासरण दाब के प्रयोग, उसके अंदर दो प्रयोग देखे थे और उनको डायग्राम से समझा था। आज अपन बात करते हैं इसके अंदर कि परासरण दाब व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, अर्थात जो व्युत्क्रम परासरण होता है या रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो क्या होता है। टॉपिक चलेगा रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम परासरण। सामान्यतः व्युत्क्रम परासरण होता है, सबसे पहले मेन बात यहाँ पर ये समझने की होती है कि व्युत्क्रम परासरण का जो उपयोग होता है वो समुद्री जल को शुद्ध करने के अंदर काम में लिया जाता है, अर्थात समुद्री जल का विलवणीकरण तकनीक द्वारा, समुद्री जल को विलवणीकरण तकनीक द्वारा शुद्ध जल के अंदर बदला जाता है और उसके बाद में उस जल को पेय जल के रूप में काम में लिया जाता है। यहां पर अपन बात करते हैं व्युत्क्रम परासरण क्या होता है। जो परासरण की प्रक्रिया होती है, अर्थात परासरण की प्रक्रिया के अंदर अपन ने देखा था कि जो जल होता है अर्थात जो विलायक के रूप में काम में लिया जाता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, और ये परासरण की प्रक्रिया है या परासरण दाब को समझने के लिए यहाँ पर अपन ने अर्धपारगम्य झिल्ली को काम में लिया था। इसको व्युत्क्रम परासरण को यहाँ पर अपन एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक अपन आयताकार बॉक्स का को काम में लेते हैं, अर्थात एक डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार से, और इसके मध्य में यदि अपन बात करें यहां पर देखो इसके मध्य में लगभग मध्य में यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली को काम में लिया जाता है। ये यहां पर लगाई जाती है अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएम्बर मेम्ब्रेन, ये अर्धपारगम्य झिल्ली काम में ली जाती है, और यहां पर देखो एक पिस्टन लगाया जाता है। यहां पर क्या लगाया जाता है, पिस्टन लगाया जाता है। अब इसके अंदर देखो ये पिस्टन लगाया जाता है यहां पर, और अब इसके अंदर दो प्रकार के जल दो प्रकार यहां इसके अंदर तो होता है, इसके अंदर होता है समुद्री जल होता है, समुद्री जल होता है, अर्थात इसके अंदर तो भरा जाता है समुद्री जल, समुद्री जल, समुद्री जल, ये होता है समुद्री जल, और इसके अंदर होता है शुद्ध जल, शुद्ध जल, अर्थात इसके अंदर ये होता है सॉल्यूशन और ये होता है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट। अपन ने ये देखा है कि परासरण दाब के अंदर या परासरण की प्रक्रिया के दौरान कि विलायक होता है या फिर जल होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, और यहाँ यदि अपन बात करें तो जल यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगा, अर्थात शुद्ध जल या सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन की ओर गमन करेगा, किसके दौरान, परासरण की प्रक्रिया के दौरान। परासरण की प्रक्रिया के दौरान ये जो जल होता है शुद्ध जल मतलब इधर समुद्री जल के अंदर या विलयन के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर देखो ये माना कि यहाँ इसके अंदर सॉल्यूशन है और ये इसके अंदर सॉल्वेंट है। अब परासरण की प्रक्रिया को
उल्टा करने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए या फिर व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया देखने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि एक पिस्टन लगाई जाती है, इसके एक सिरे पर पिस्टन लगाई जाती है जिधर समुद्री जल या सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, पिस्टन द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। पिस्टन द्वारा जब प्रेशर लगाया जाता है तो परासरण की प्रक्रिया के दौरान तो ये जो शुद्ध जल आता है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन जब पिस्टन के ऊपर अर्थात इसके ऊपर यदि पिस्टन लगाया जाता है और पिस्टन के दौरान द्वारा इसके अंदर प्रेशर लगाया जाता है, अर्थात हमने यहां क्या लगाया, पिस्टन लगाया, और पिस्टन का जो प्रेशर होता है वो परासर दाब की जो प्रक्रिया होती है उससे भी क्या होता है, अधिक होता है। पिस्टन को अपन ने पी से डिनोटेड किया और पाई क्या होता है, परासर दाब। ये क्या होती है, पिस्टन, और ये पाई बराबर क्या है यहां पर, परासरण दाब, परासरण दाब। अब देखो यहां पिस्टन द्वारा इतना अधिक दाब लगाया जाता है कि उसके दौरान जो समुद्री जल होता है उसमें से सॉल्वेंट होता है, जल होता है या फिर विलायक होता है, उसके जो अणु होते हैं अर्थात सॉल्वेंट होता है वो अपनी यहाँ कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लगता है, क्योंकि पिस्टन का जो प्रेशर होता है वो परासरण दाब से भी क्या कर दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है। इसके दौरान यहाँ ये समुद्री जल होता है उसमें से या सॉल्यूशन होता है उसमें से सॉल्वेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अर्थात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते भी शुद्ध जल के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे ही क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया कहा जाता है। यहां पर देखो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो SPM होती है, SPM वो या तो यहां पर या तो ये कॉपर फेरो साइनाइड की बनी होती है, कॉपर फेरो साइनाइड की बनी होती है, या फिर ये जो SPM होती है वो सेल्युलोज एसीटेट की बनी होती है, या फिर ये सेल्युलोज एसीटेट की बनी होती है, अर्थात या तो ये बनी होती है कॉपर फेरो साइनाइड की या फिर सेल्युलोज एसीटेट की बनी होती है, ये होती है SPM। क्योंकि ये जो SPM होती है जो कि व्युत्क्रम परासरण के अंदर जो काम में ली जाती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड या सेल्युलोज एसीटेट की ही काम में इसलिए ली जाती है क्योंकि इसके अंदर अधिक दाब सहन करने की कैपेसिटी पाई जाती है, अर्थात इसके अंदर मतलब ये जो SPM होती है जो कि व्युत्क्रम परासरण के अंदर काम में ली जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है अल्पागम झिल्ली वो या तो कॉपर फेरोसाइनाइड या सेल्युलोज एसीटेट की काम में लेते हैं क्योंकि इसको अधिक अधिक दाब ग्रहण करने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस या व्युत्क्रम परासरण या फिर प्रतिलोम परासरण क्या होता है, अपन ने इसको एक डायग्राम द्वारा सिंपल सा टॉपिक है इसको यहाँ पर देखा है, छोटा सा टॉपिक है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, या तो डायग्राम पूछ लिया जाता है या फिर डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्युत्क्रम परासरण क्या होते हैं, एक या डेढ़ नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन, यहाँ पर परासरण दाब की गणना क्या होती है, नेक्स्ट का आंसर करता है। थैंक यू।